खरगोन जिले की बिश्टान पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो राहगीरों को रोक कर लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। हम आपको बता दें कि खेरखुंडी के इन सातिर बदमाशों ने लोहे की रेलिंग अड़ाकर नवाई का त्यौहार मनाने के लिए बिश्टान नाका क्षेत्र के झगड़ी घाट सेक्शन पर लूट घटना को अंजाम दिया था, जिसमें बाइक और ट्रक चालक से मारपीट करके नकदी और मोबाइल की लूट की थी, जिन्हें मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने धर दबोचा है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल जेवरात सहित नकदी बरामद करके घटना का खुलासा किया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 24/8/21 की बात है। एक सूचना प्राप्त हुई कि खरगोन पाल रोड पे झगड़ी घाट सेक्शन पे कुछ अज्ञात बदमाश द्वारा पत्थर फड़ाकर और लोहे की रेलिंग लगाकर मोटरसाइकिल चालक और ट्रक चालकों से लूटपाट की गई थी, जिसमें 3 मोबाइल और एक चांदी की लॉकेट और एक चांदी की अंगूठी इनसे लूट को अंजाम दिया गया था। इस पर सूचना पर अपराध पंजीबद्ध थाना में बिस्टान में अपराध पंजीबद्ध कर धारा 394 का अपराध कायम किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा टीम का गठन किया गया था, जिसमें परीवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी राकेश आर के नेतृत्व में टीम गठित की गई और मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया और पुलिस के सूत्र लगाए गए। इसी तारतम्य में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि खैरकुंडी गांव में कुछ संदिग्ध होलिये के लोग वहां पर हैं, जिन्हें लाकर किसे पूछताछ की गई, जिन्होंने घटना करना कबूल किया और जिनसे ये उपरोक्त माल बरामद किया गया है। और इन्होंने अपने साथीदारानों की बात बताई, जो कुल 12 अपराधियों को गिरफ्तार कर पेश किया गया है। सर, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए? देखिए, ये चूँकि दूरस्थी है और सक्रिय घाट व्यवस्था है, तो यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग व्यवस्था हम लगा रहे हैं। प्रवीण कुमार विजय, SDOP बीकानेर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।